नमस्कार दोस्तों, आज हम विपणन पर अपनी चार वीडियो श्रृंखलाओं में से पहली में गोता लगा रहे हैं। यह वीडियो इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि आपके उत्पाद को कैसे अलग किया जाए। आइए अपने प्राथमिक लक्षित ग्राहक खंड की पहचान करके शुरू करें। यह जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह जानना कि आप किसे बेच रहे हैं। लिंग, आयु वर्ग, स्थान, जीवन शैली, आय स्तर या इसी तरह के कारकों जैसे मानदंडों के आधार पर अपने प्राथमिक लक्षित ग्राहक वर्ग को परिभाषित करें। उदाहरण के लिए, चूंकि आपका उत्पाद मसालों का पाउडर है, इसलिए आपके प्राथमिक लक्षित उपभोक्ता घर के रसोइये, रेस्तरां, खाद्य निर्माता और अपने परिवारों के लिए किराने की वस्तुओं के खुदरा विक्रेता होंगे। ग्राहकों की प्राथमिकताओं और खरीदारी करने के व्यवहार को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उन प्रमुख उपभोक्ता कारकों की पहचान करने की आवश्यकता है जो आपके लक्षित बाजार के खरीद निर्णयों को संचालित करते हैं। चूंकि आपके लक्षित उपभोक्ता घर के रसोइये, रेस्तरां, खाद्य निर्माता, होटल, छात्रावास और खुदरा विक्रेता हैं, वे स्वाद, गुणवत्ता और पैकेजिंग को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा वे कीमत को प्राथमिकता देते हैं। अपने उत्पाद और विपणन रणनीति को इन कारकों के अनुरूप बनाना महत्वपूर्ण है। अब आइए समझते हैं कि अपने उत्पाद को कैसे अलग किया जाए। स्वाद, गुणवत्ता, रंग, कीमत और पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाने में कुंजी निहित है। इस बारे में सोचें कि कौन सी चीज आपके उत्पाद को अद्वितीय बनाती है। क्या ये स्थानीय स्वाद, गुणवत्ता या शायद पैकेजिंग है? याद रखें, भेदभाव केवल उत्पाद के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप इसे अपने ग्राहकों के सामने कैसे पेश करते हैं। इसके बाद ये तय करना महत्वपूर्ण है कि आपको किन उत्पादों के संयोजन की पेशकश करनी चाहिए। इसका उत्तर देने के लिए अपने लक्षित बाजार की प्राथमिकताओं, जरूरतों और व्यवहार पर विचार करें। एक ठंडा स्रोत, मसाला पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट प्रदान करना आपके ग्राहकों की आवश्यकताओं के विभिन्न पहलुओं को पूरा कर सकता है। अंत में एक पूर्ण पैमाने पर लॉन्च से पहले अपने उत्पाद विचार का प्रभावी ढंग से परीक्षण करने के लिए प्रोटोटाइप को मान्य करना महत्वपूर्ण है। यह आपके प्राथमिक लक्षित खंड के साथ चर्चा के माध्यम से या दोस्तों के एक समूह से आपके उत्पाद की समीक्षा करने के लिए कहकर किया जा सकता है। अपने उत्पाद को परिष्कृत करने के लिए घर के रसोइयों, रेस्तरां, खाद्य निर्माताओं, होटलों, छात्रावासों और खुदरा विक्रेताओं से कई बार प्रतिक्रिया एकत्र करें। व्यापार को चैनल को पसंद करें, साझा करें और सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।